आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दमोह के पथरिया में माधवराव सप्रे का 150वां जन्मोत्सव मनाया। साहित्यकार, पत्रकार और आलोचक पंडित माधवराव सप्रे का 150वां जन्मोत्सव दमोह के पथरिया में मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला निकेतन नई दिल्ली द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। वहीं पद्मश्री, विजय दत्त, श्रीधर, श्याम सुंदर दुबे, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की मौजूदगी में कई पत्र पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पत्रकारिता के जनक, हिंदी की पहली कविता लिखने वाले माधवराव सप्रे के जीवन पर प्रकाश डाला। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव अगर नहीं होता तो शायद इतनी बारीकियों से हम इन विभूतियों को न ढूंढ पाते। एक पंक्ति में कहा था, जिनकी समर्पण जरूरत से ज़्यादा था, लेकिन हमें कभी आने वाली पीढ़ी में या वर्तमान में चर्चा नहीं मिली ऐसे व्यक्ति, ऐसे आंदोलन के स्थान और ऐसे आंदोलन। इन सबको ढूंढकर इस आज़ादी के 75 वर्ष में देश के सामने लाना चाहिए, लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करें कि सब कुछ यश के लिए नहीं होता। कुछ लोग ये भी तय नहीं कर पाए कि हमें कभी इतिहास के हिस्से बनेंगे। उसमें प्रेमचंद जी उस्ताद का नाम, जब उन्हें तिरंगा फहराया था तो उन्हें नहीं मालूम रहा होगा कि वो इतिहास पर बनने जा रहे हैं। लेकिन जिन आंदोलनों के केंद्र बिंदु हम, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हम एक उदासीन समाज है। हम लोग ये सोचते हैं भगवान कर देगा, राजा कर देगा, मंत्री कर देगा, मुख्यमंत्री कर देगा, प्रधानमंत्री कर देगा, फिर हम क्या करेंगे। तो हमें जब ये हो जाए कि दूसरा कोई करे या ना करे, हम तो करेंगे और हम वो करेंगे जो हमारा अच्छा कर्तव्य है, तो समाज वैसे भी सुधर जाएगा। जिस स्थान पर खड़े हैं हम, उसका एक बहुत अच्छा नारा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम जागेंगे जब जग जागेगा। तो पहले हम कुछ करने